नहीं आई तो मुझे कहने दीजिए, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो शख्स अहमक हो ऐसा भी हो सकता है, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो शख्स अहमक हो ऐसा भी हो सकता है, तू जो घुसा है घर में किसी की अपना दिल पहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। अगर बात समझ में अब भी नहीं आई तो अब जरूर समझ में आएगी। अंजुमन का एक आदमी है, उर्दू का एक आदमी है, अंजुमन में चुप ऐसा न समझे, उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे, उर्दू को लोग कहते हैं शी की जुबान है। अगर अब बात समझ में आ गई है तो सब हरकत में आ जाइए, वरना सब शक के दायरे में आ जाएंगे कि शुगर के मरीज है, मुझको शुगर का मरज है, तो ये पत्थर कैसा मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। हजरात गिरामी, अब मैं बगैर किसी तमहीद और तादील के शेरी बैठक के जूनियर शायर जनाब अहमद बूंदी से गुजारिश कर रहा हूँ, वो अपने टीम के साथ तशरीफ ले आए, मैं चार मुझसे उनकी नजर करता हूँ। बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे पाओगे। कहा अहमद ने, देखे खाने का केक है। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तशरीफ सागर है मेरा नाम अंदाज, सागर है मेरा नाम अंदाज, सबसे जुदा तखल्लुस मेरा मदहोशी, रहता हूँ गिरा पड़ा। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सागर मदहोशी, इस्तकबाल आपका सज्जाद टाइम्स में, हाजिर हूँ आज आपके सामने अपने खास प्रोग्राम शेरी बैठक के साथ। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं मुल्क से, अपने मुल्क के मखसूस शुरा के नाम, जिनमें बतौर खास बिहार से ताल्लुक रखने वाले अजीब शायर बेधड़क जनाब टंटन जनाब बुलबुल बिहारी साहब। बुलबुल बिहारी से बुला लिया। साथ ही इसके बाद तशरीफ ला रहे हैं शहर लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले अजीब शायर जनाब टंटन लखनवी साहब। मशहूर शायर जनाब अहमद पफंदी साहब। और अब तकरीर में तशरीफ ला रहे हैं हर दिन आजीज शायर मोहतरम जनाब मोमिन खान मोमिन। मैं अपने तमाम शुरा कराम का अपने इस शेरी बैठक में हुजूर इस्तकबाल करता हूँ और दिल से शुक्रगुजार। नाज़रीन, इनकी आमद पर हमारे दिल में एक शेर मचल रहा है, मैं इनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मैं पेश करना चाहता हूँ कि जामो पैमाना साथियों मैखाना और ये दीवाना, जामो पैमाना और ये दीवाना, चाहूंगा कि जामो पैमाना साथियों मैखाना और ये दीवाना, तबस्सुम तरन्नुम यास्मीन और फरजाना। आइए अब हम अपने शुरा कराम का रुख करते हैं, तो मैं सबसे पहले बुलबुल बिहारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सुना है कि आप मशहूर शायर हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। तो जिस शेर से आपकी शोहरत हुई है हमारे नाज़रीन वो शेर सुनना चाहते हैं। देखिए हमारी शोहरत तो वैसे बहुत से अशआर से हुई है। जी वैसे एक पेश जी इरशाद अर्ज करता हूँ। जी के फूल तो खिलता, जी के फूल तो खिलता है खिले, फूल तो खिलता है खिले, क्या बात है, ये फूल तो खिलता है खिलेगा, बहुत मदोशी साहब जी बहुत जी तो खिल गया आगे बोलिए। कांटों में जाओगे तो जिस वाह वाह क्या बात है, कांटों में जाओगे तो जिस छिलेगा, बहुत कांटों में जाओगे तो जिस छिलेगा, बहुत लड्डन साहब तो जो दीजिएगा, ये फूल तो खिलता है खिलेगा, कांटों में जाओगे तो जिस छिलेगा। जी वाह तवज्जो चाहूंगा जी, ये फूल तो खिलता पे जाओगे तो जिस छिलेगा आगे बढ़िए नाटन साहब देखिएगा। फूल तो खिलता है खिलेगा, कांटों में जाओगे तो
जिस चलेगा बारिश भी वाला चार्जर मिलेगा। तो विशेष आपकी शोरत हुई जी जी समझ में आ गया कैसे शायर है। जरा टंडन लखनवी साहब सुने कि आप इस शेर में कहते हैं आपको मालूम नहीं। नहीं मालूम है फिर पूछा क्यों। चलिए माजरा तो कोई बेहतरीन सा शेर सुना दीजिए आप। देखिए सब बेहतरीन ही है जी। मैं भी शेर सुनाता हूँ जी इरशाद। अगर वो पूछ ले मुझसे जी अगर वो पूछ ले मुझसे अगर वो पूछ ले मुझसे जी कि किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। आप भी अपने कुछ अशआर सुनाइए। सुनिए हमें तो अपनों ने लूटा। वाह क्या बात। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों ने कहाँ धमका। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों ने कहाँ धमका। बहुत खूब दोस्त भी ऐसा मिला जिसका दिमाग लेकर मेरे जहन में शेर आया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जिसे याद करके मूड खराब हो जाए। कि जिसे याद करके मूड खराब हो जाए ऐसा फजूल ख्याल हो तुम। हाजिर आइए अब हम अपने शायर मोहतरम जनाब मोमिन साहब मोमिन से दरख्वास्त करते हैं कि अपना कलाम तरन्नुम में पेश करें। सावर साहब जी जरा तवज्जो दीजिए। इशाम असर उसको जरा नहीं होता। क्या बात। असर उसको जरा नहीं होता। क्या बात। असर उसको जरा नहीं होता जी जी इशाम असर उसको जरा नहीं होता रंज राहत फसा नहीं होता। रंज राहत फसा नहीं होता। तवज्जो दीजिएगा जी जी बिल्कुल। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर कि हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर हाथ दिल से जुदा कि तुम मेरे पास होते हो यार। कि तुम मेरे पास होते हो यार जब कोई दूसरा दोस्त कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं। वाह मोमिन साहब कि कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं
जी क्या बात, कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है जमीन में गाड़ दो। और बंडल नकवी साहब आप सुनिए, एक अजीब सी हालत है। क्यों भाई? एक अजीब सी हालत है। अरे एक अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद। चलो चलो, मजा आ गया। अरे एक अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने। न तो कुछ खाने पकाने में मजा आता है न तो कुछ खाना पकाने में मजा आता है, न तो कुछ माल कमाने में मजा आता है। मजा आता है नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। लगता है शायद सबको खुजली है, आप दवाई ले लें। नाज़रीन, इन शोराए किराम की तशरीफ आवरी से और इन्होंने जिस तरीके का शेर पेश किया है, तो मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद अपनी शेर को अच्छा करने के लिए इस किताब से, शायर अय्यामी की किताब से अपना कुछ सबक लें, क्योंकि इनके अशार ऐसे नहीं थे कि ना सुनाए जाए, लेकिन फिर भी मुझे प्रोग्राम चलाना था, इसलिए मैंने इन पर वाह कहा है। और इनके इन अशार पेश करने से हमारे दिल में जो कैफियत पैदा हुई है, उसको एक शेर के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। कि शुरू में मैंने एक शेर कहा था इनकी आमद पर, कि जामो पैमाना साथियो मैखाना और ये दीवाना, तबस्सुम तरन्नुम यास्मीन और फरजाना। इसका अगला शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा और इशारा की नज़र भी करना चाहूँगा कि दिल शाद है आपकी आमद से यकीनन। दिल शाद है आपकी आमद से यकीनन, मगर गुजारिश है कि दोबारा कभी मत आना।